अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुमा मुबारक आप सबको। आई होप आप सबने नमाज़ पढ़ ली होगी। और नमाज़ में मैं होप करती हूँ कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, और अगर हो तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई ऐसा नहीं होगा जिसने दिमाग में दुआ मांगते टाइम फ़लस्तीन वालों का ख्याल नहीं आया होगा, या राफा में जो हुआ उसका ख्याल नहीं आया होगा। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस इतना बेदिल कोई नहीं होता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कि किसी भी वहाँ पे जो भी हो रहा है इस टाइम पे हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो लोग कितनी तकलीफ़ में हैं, किस सिचुएशन में हैं। हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को खाना मिल रहा है, हम लोगों को पानी मिल रहा है, हम लोग अपने अपनों के साथ हैं। सबसे बड़ी बात, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मैं दाद देती हूँ, वो इस टाइम पे जिस तरह की सिचुएशन में है, और उसके बावजूद वो लोग यूनिटी बनाए हुए हैं इस टाइम पे। वो जो मसला है ना, ना वो रिलीजन का है और ना ही वो कौन सही है कौन गलत का है। वो मसला है कि आप बेगुनाहों की जान क्यों ले रहे हो, या आप क्यों इस लड़ाई को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए लगा के आप उनकी जगह होके सोचो। हम लोग आज लिटरली ऐसे हो जाते हैं कि ये इसका रिलीजन, ये इस रिलीजन का है तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, या यार इनके रिलीजन में तो ऐसा ऐसा होता है, उस रिलीजन में ये होता है। पहली बात, वहाँ पे इस टाइम पे रिलीजन की बात नहीं आ रही है। रिलीजन भले ही किसी का भी हो, इंसानियत तो होती है ना हर किसी में। तो पहले आप इंसानियत के नाते वो जो वीडियोस हैं, जो भी स्टोरीज लग रही हैं, प्लीज़ उन्हें शेयर करो, क्योंकि सोशल मीडिया का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल पावर है, वो अब दिखाने का टाइम है। आप लोग शो करो कि सोशल मीडिया हम कुछ नहीं कर सकते, उन फलस्तीन वालों के लिए हम नहीं जा सकते, हम उनके लिए लड़ाई नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और जो हमारे हमसे हो सकता है हम वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके फ़लस्तीन वीडियोस, राफा की वीडियोस जितनी हो सके शेयर करें और सपोर्ट करें फ़लस्तीन को। वहाँ पे आज भी भले ही उन लोगों के पास खाने को नहीं है, उन लोगों के पास पहनने को नहीं है, सर ढकने को नहीं है, लेकिन आज भी अगर उनके पास एक छोटी सी खाने की चीज़ भी आती है ना, और कोई दूसरा उनसे मांग ले, तो वो शेयर करने से पीछे नहीं हटते। और आज का टाइम वो है कि एक भाई दूसरे भाई की जान ले लेता है सिर्फ प्रॉपर्टीज के लिए, या एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे देता है सिर्फ पैसे के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये एक एक तरह से ये एग्जाम्पल है कि जब ऊपर वाले का खौफ, ऊपर वाले का प्यार, खौफ कुछ भी कह लो, दिल में आता है ना, तो हर दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ भी आपको पत्थर नज़र आती है। सो प्लीज़ 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 जितना हो सके उतना शेयर करो फ़लस्तीन के वीडियोस को, जितना हो सके सपोर्ट करो। कुछ नहीं कर सकते अगर आप में इतनी इंसानियत नहीं है ना कि आप शेयर कर सकते, ना नहीं शेयर कर सकते। तो एक काम करो, जिसको मानते हो, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उनके लिए दुआ ही कर दो। जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, अगर उसके बावजूद भी आप किसी को उसके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो ना, तो लिटरली आप इंसानियत है ही नहीं आप में। मुझे और किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी थी आज, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मैं इस टाइम पे अगर अपनी बात करने की सोचूं भी ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ। तो अभी मैं अपनी कोई बात नहीं कर रही कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ का पार्ट अभी इस टाइम पे कहीं आसपास भी नहीं है। फ़लस्तीन के लिए रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये वीडियो फ़लस्तीन वालों के लिए थी, तो उनके लिए दुआ करो, जितनी हो सके दुआ करो, जैसे हो सके दुआ करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।